अरे मुँह टेलिंग में जा रही हूँ, मोड़ा होगा यार। भाई की टेलिंग में जा रोज तू यार। अरे माँ एक किसान की टेलिंग है। रोज तो देखू याद मेरे खेत पे और मैं वहाँ जा रोज तू। अरे तो माँ भी खेती का बारे में बतावे यार रोज। यार तो डांडा चरा ना गाँव में दिन भर हर न्याद जिसका गाया है सब। अब न्या था रो तो है बगत अब कर जो। वो कहाँ तक बगा सब लड़ी का खेत की यार। यहाँ आ रही हूँ मैं आ रही हूँ धंग नहीं आ रही हूँ। चावड़ा बैठ जाओ थोड़ी देर पानी वानी पी लो। पानी है भाई यहाँ। रोज कहाँ जाना हिट के एपीपीएस की ट्रेनिंग में जाऊं। कहीं हो माँ एपीपीएस कहीं रहे फार्म फील्ड स्कूल है उनमें किसान और की पढ़ाई होगा। मतलब किसान को स्कूल। हाँ किसान को उनमें कई किसान जानकारी मिलती होगा। हाँ जानकारी मिले नहीं हमें। कहाँ जगह है किसान और का खेत पे लगे स्कूल और किसान पाठशाला बोले नहीं है। ये स्कूल शंभू से चले किसान और को और यहाँ शंभू एक्सेस वाला ने चला रखियो राजगढ़ में। हाँ तो राजगढ़ में क्षेत्र में पूरा चल रही मतलब अपना आसपास गाँव। हाँ गाँव और में सब में आत्मा कार्यक्रम के द्वारा चले हो और सरकारी भी चले। अच्छा उनमें अच्छा बड़ा बड़ा विज्ञानी लोग आवे और भी अपने खेती के बारे में सारी जानकारी देके जावे। सारी चीजें तू मैं से सीखा नहीं नहीं। हाँ जो भी तू बता मु आके नहीं नरी बार पूछी मैं थार से। हाँ ये सब मैं सीखा है भाई। अच्छा हाँ। तो ये तो अच्छी चीजें बता माँ तो। हाँ अच्छी चीजें बता नहीं फायदा हो नहीं जैसे कहीं वो थार से मैंने पूछती सारी दवाई कर दिन रोग वोग में कीट वीट लागे जे में। हाँ फायदा हो मुँह तो। हाँ जी वही होगा ना फायदा क्यों नहीं होगा यार। अच्छी जगह जा रही हूँ तू मतलब। हाँ पाठशाला में। हाँ खेती का बारे में नत नई जानकारियाँ दे रोज रोज ही। हाँ अलग 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 कौन सो खाद कहाँ को खाद देनो कहाँ को बीज देनो कहीं टाइम पे कहीं फसल बोनी एक एकड़ में कतरो देनो कहीं देनो सब। हाँ सब बता दे में तो उनसे कहीं है अपन कम से कम खर्चा में खर्चो कम और अपना आमदनी ज्यादा ज्यादा। हाँ फसल ज्यादा ही थे तो सो नत नई बात बता भी रोज जैसे ही तुम जाओ वहाँ मतलब। जैसे ही जाओ जैसे ही कहीं है कि वहाँ जाया करूँ नहीं तो भी खे उसे ही खाद बीज दे के नहीं और अच्छी फसल ले लूँ मुझे जमीन से और कम खर्चा में ले लूँ। तो जैसे ही आपके तुम्हारी फसल अच्छी है गेहूँ की। हाँ जैसे ही तो अच्छी है नहीं और कम खर्च में। हाँ और हमारे खर्च बहुत हो गया और गाँव की फसल भी अच्छी नहीं यार। नहीं तो आप भी उनकी जानकारी से बाबू करो मुँह बताऊँ तो मैं भी चलूंगा रोज। हाँ चल जो गाँव काट ला। हाँ अब आज तो मुँह गए हूँ। हाँ अब फिर महीना में दो बार मीटिंग होगा उनकी तो फिर अगली तारीख पे तभी भी चलूंगा मुँह। हाँ और कई टेंशन नहीं है वहाँ खाना भी खिलाफ है वहाँ कई है शुल्क चीजें सभी फ्री में मिले खानो खाओ तो फ्री और खेती के बारे में ज्ञान लो तो फ्री। हाँ सभी चीजें फ्री है सभी चीजें फ्री है पैसा कहीं का भी ले। पाठशाला किसान और के खेत पे लगे तो जहाँ भी लगे माँ की अपने बताई देवी तो वहाँ चल चलो अपन तो अपने गांव में लगे भी एक दूसरे गांव में भी लग सके अपने गांव में। अच्छा यहाँ कोई किराया लगे नहीं यहाँ कहीं किराया अपने खेत में चलना तो जब मैं जाऊँ अब मार मीटिंग को टाइम हो गयो मीटिंग में जाऊँ खेत में पानी फिर अगली बार था भी चाल जुगे लगा। हाँ बस मोटर चाल रही मारा है पानी चल रही है गेहूँ में। हाँ तो फिर अगली बार बता जो फिर तुम। हाँ अगली बार मार साथ चाल जो फिर से। हाँ ले चलू हम नमस्कार। आज जो फार्म स्कूल रखा गया है आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और मतलब जो गर्मी आ रही है तो इसमें क्या करना है अपने को तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि अभी तक जो किया है वो तो ठीक ही है तो थोड़ा सा अपने उद्यान की फसलों पर जाएं मतलब यदि किसानों को कुछ करना है कुछ करने की अगर चाहत रखता है क्या मतलब जमीन में बगीचे तैयार करता है और बगीचे का मतलब ये है नींबू हो गए आपका सुरजना हो गए आपका
आम हो गए आपका, तो जो भी पौधे जो भी अपन लगाए वो वैल्यूबल लगाए, मतलब ये अच्छे जिसकी जिसका मूल्य हो, जिसकी मतलब उत्पादन में मतलब अपना पैसा आमदनी आ सके आपको अपने को, तो वो चीज़ अपने को करना है। अभी काफ़ी नए नए लोग दिख रहे हैं और मैं समझता हूँ काफ़ी जागरूक हैं आप लोग करेड़ी के क्षेत्र के खासतौर से। तो जो भी सब्जियों की अगर दिक्कत आए वैसे तो अपना काम करी है, एक्सेस डेवलपमेंट भी है, हम लोग भी है, कृषि विभाग भी है, और आप उधर भी बर्मी कम नाड़े आप खेरासी में भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, हो सकता है यहाँ भी बने होंगे, तो ये हैं यहाँ भी बने हुए हैं, और नहीं बने हुए तो मतलब और थोड़ा बना रहे। तो जिस क्षेत्र में अगर सब्जी पर लगाते हैं और जहाँ बर्मी कंपोस्ट नाडेप है उसका बहुत अहम योगदान है उस क्षेत्र में आपका। 25 साल या 30 साल पहले यहाँ क्या था, ज्वार का क्षेत्र मैंने देखा था। 25 साल पहले जो ज्वार का क्षेत्र था, कपास और ज्वार, कपास सरक गया, इंदौर से आगे निकल गया, यहाँ से कपास चला गया। अब कपास जगह किसने ली, सोयाबीन में। कपास का ज्वार बची थी, ज्वार के बाद सोयाबीन, ज्वार चली गई। दो तीन समस्या ज्वार में आने लगी थी, ज़्यादा पानी करता था ज्वार गल जाती थी, अगर ज्वार खड़ी हो गई तो जो चिड़खला है उसको नुकसान करते थे, और पैदावार भी कम थी, और जैसे पैदावार हो गई तो बाज़ार में उसका मूल्य भी कम मिलता था। 335 सबसे पुरानी किस्म थी, JS के नाम से आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध है, वो JS को लाए, और JS का मुकाबला आज तक कोई वैरायटी नहीं कर पा रही। अब क्या हुआ कि वर्षा काल सुखड़ गया, वर्षा जहाँ चौमासा था वहाँ दो मासा हो गया, सही बात है। दो मासा हो गया, और दो मासा में 20 दिन हो गए, कुल पानी 20 दिन गिर रहा है दो मासे में भी, तो अब दो मासे में 20 दिन में पानी इतना गिर रहा है कि वो जो साल भर की पूर्ति कर दे रहा है वो, तो अब इतने पानी कहाँ संभलेगा, रुक नहीं पा रहा है। तो अब उसमें आवश्यकता ही पड़ी कि यार छोटी जो कम अवधि की फसलें हैं 94-93-05-95-60 NRC 7 NRC 2 ये जो आपने इन वैरायटी की डिमांड करी, वैरायटी आपने कृषि विभाग ने आपको उपलब्ध कराई। उत्पादन तकनीक भी कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब, इनके सहयोग से भी हमने बहुत काम किया इसमें। और राजगढ़ जिले का तो जो 335-93-05-95-60 का जो बढ़ावा दिया है वो आपके सहयोग से काफ़ी हुआ है। तो वही चीज़ है कि अब आवश्यकता ये पड़ रही कि यार अपनी जो है सोयाबीन खरीफ में हो गई, गेहूँ में, रबी में गेहूँ हो गया आपका, चना हो गया, तो इसके आगे पर सोच नहीं रहे, थोड़ा बहुत कुछ सोचा इधर कहाँ है वो लिम्बोदा है ना, कौन सा क्षेत्र है, जीरा, वहाँ थोड़ा मैं सोचा, हमने बैठ के बात की, 3 मीटिंग हमने वहाँ पे की लिम्बोदा में, उनने कहा हम जीरे के बीज लगाना चाहते हैं, कुछ लोग लगा रहा जीरा, हमें बीज उन्नत किस्म का बीज नहीं मिलता, हमने भाई आप बता दो कौन कौन लगाने तैयार है, और हमने क्या है कि कैसा से बात की साहब, वो वहाँ जीरा लगाना चाहते हैं उस क्षेत्र में, उस गाँव कीमा खेड़ी लिम्बोदा वाले, तो साहब वो बीज मंगाना है, तो हमने गांधीनगर गुजरात से बीज मंगा के दिया। बात कही कि अब हमको जागरूक होना है, हमको चेतन्त होना है। कई बार हमें दुख ये होता है कि इसराइल जहाँ पे कि बामुश्किल तमाम 100 मिलीमीटर बारिश अपने यहाँ एक दिन में जितना पानी गिरता है, अगर उस देश में उतना पानी पूरे साल भर में गिर जाए तो वहाँ के लोग जो है वो देवताओं को पूजने लगते हैं, ठीक। और इस समय सारे विश्व में जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो फल आता है, चाहे वो सेब हो, चाहे अनार हो, चाहे अंगूर हो, वो इसराइल का आ रहा है। पानी नहीं है उनके पास में बिल्कुल, मिट्टी नहीं है उनके पास में बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा फल वो वहाँ का आ रहा है। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप क्या समझ रहे हैं, मैं पानी के ऊपर ही थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो जल है ये क्या भगवान हमको ऐसे ही दे रहा है क्या? ये साहब पानी जो है वो आपके स्टेट बैंक के अकाउंट की तरह है, अपन KYC बनवाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं कि नहीं बनवाते, ठीक है ना? जितना आपने जमा किया उतना फिर से निकाल लो, आप खुद का अकाउंट है, जितना आपने जमा किया उतना आप निकाल लो। लेकिन हम करते क्या आ रहे हैं, 15,000 साल से हम खेती कर रहे हैं, और करीब 12,000 साल से हम सिंचाई सीख गए करना।
हम करते क्या आ रहे हैं कि हम उसको निकालते जा रहे हैं। ये तो परमपिता परमेश्वर की कृपा है और हमारे सयानों के, हमारे बड़े बूढ़ों के हमें आशीर्वाद है कि पानी आज भी बहुत अच्छा गिर रहा है। इस साल बहुत बारिश हुई, लोग कह रहे हैं अरे बारिश बहुत बारिश हुई, मेरे को तो लग रही है बहुत अच्छा, वो सर हम करते हैं बहुत अच्छे मरने हम करते हैं, वो सब इसकी देन है। ठीक, इससे हम 15,000 साल से इसको खा ही रहे हैं, हम इसको खिला नहीं रहे हैं, और ये आपसे मांगती है सिर्फ सड़ा गला, और ये देती है आपको नगद नारायण। मैं गलत बोल रहा हूँ कि बताओ आप? ठीक है, तो इसका पेट भरो साहब, इसका जिस दिन आपने पेट भर दिया साहब, किससे? सड़े गले से। सड़े गले से अगर आपने इसका पेट भर दिया ना, तो आपकी हालत अपने आप सुधर जाएगी।